शाहरुख खान का पूरे बॉलीवुड से लेकर साउथ तक डंका बज रहा है। शाहरुख और कतर वाली खबर पर बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। वहीं राजामौली भी किंग खान की जमकर तारीफ करते हुए कहते हैं कि शाहरुख खान ने देश के नाम बहुत बड़ा काम किया है और हमें खुशी है कि हमारे ऑफिसर कतर से रिहा होकर वापस आ गए। पूरे देश में इस बात पर चर्चा चल रही है कि शाहरुख का कतर जैसे अरब देशों में बहुत बड़ा पावर है। ग्लोबल स्टार होने की वजह से किंग शाहरुख खान के आगे पूरा कतर और दुबई झुकता है। कतर के प्रधानमंत्री खुद शाहरुख का स्वागत करते हैं। उसके अगले दिन ही 8 भारतीय नेवी ऑफिसर रिहा होकर इंडिया आते हैं। खबरें चल रही हैं कि भारत सरकार ने शाहरुख की मदद से कतर के जेल में बंद 8 पूर्व नेवी अफसरों को रिहा करवा दिया है। इनमें से सभी ऑफिसर भारत वापस लौट आए। शाहरुख खान की कतर यात्रा के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही छा गई हैं। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने किंग खान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बादशाह शाहरुख खान अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। किंग खान ने हाल ही में कतर की यात्रा की और कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो अब एक्स पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहे हैं। शाहरुख के प्रशंसक ने दोहा से किंग खान के कुछ वीडियो साझा किए हैं। खबरों की माने तो शाहरुख कुछ अलग प्लान कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब वो 4 साल में नहीं बल्कि 4 महीने में वापस आएंगे। वो भी एक धमाकेदार एक्शन थ्रिल के साथ किंग खान फिर से बॉलीवुड पर कब्जा करने आ रहे हैं। इस बार एक्शन काफी बड़े लेवल पर होगा। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा, क्योंकि उनकी मेहनत अच्छी रही और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं। खबरों की माने तो शाहरुख खान साल 2024 के अगले महीने में 3 फिल्मों की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में हर कोई उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन SRK किसी भी फिल्म को चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। वही आपकी जानकारी के लिए बता दे कि शाहरुख किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं और उनकी आने वाले समय में काफी एक्शन फिल्में देखने को मिलेगी। शाहरुख हमेशा अपनी ऑडियंस के लिए कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार भी वो बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं।